एक बात बिल्कुल सच्ची है, मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, इस लेवल का टेस्ट मुझे आज तक कहीं पे भी नहीं मिला। बिल बता रहे हैं बाद का 6 बंदे 7 बंदे खाना खाते हैं 50-50 हज़ार का बिल बन जाता है। पूरा सालन पक रहा है, इसके ऊपर बादाम है, इसके ऊपर काजू है, अंडा रखा हुआ है इन्होंने साइड, और नीचे काबली बुलावा है सारा। ओए होए होए, इसके अंदर भी काजू हैं। मक्खन गायब हो गया भाई। अच्छा ये भाई हसीब भाई अपने हाथ से हम एक बाइट बना के दे रहे हैं, इसमें बाहर वाला हिस्सा आएगा गोश्त वाला, वो रैप करके ऑप्टिमम फ्लेवर आएगा दुबे का। मटन में थोड़ा चटपटा खाना, चटपटी कढ़ाई खाना चाह रहे हैं तो भाई ये अब काबली कढ़ाई, ये बहुत ज़्यादा चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर सुपरली अमेजिंग एंड डिलीशियस वीडियो वंस अगेन। दिस इज़ साकिब मुबीन और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के अंदर, और मुल्तान में यहाँ पे जैसे बहुत सारे खाने आपको मिलते हैं, एक जगह यहाँ पे ऐसी है मुल्तान के अंदर जहाँ पे आपको अफगानी, वजीरिस्तानी, काबली, पेशावरी, मर्दानी, हर तरह का खाना आपको मिलेगा यहाँ पे, और बहुत कमाल किस्म का लाइव आपके सामने सारा कुछ बन रहा है। लाइव यहाँ पे चेक करते जाएंगे उसको, लाइव बारबेक्यू है, लाइव वहाँ पे कढ़ाई बन रही है, चपली कबाब बन रहे हैं, नमकीन रोस्ट बन रहा है, चलाक रोस्ट एक स्पेशल होता है वो बन रहा है। और इस जगह के बारे में एक बात ये भी है कि यहाँ पे गाड़ियों में लोग आते हैं और लाइन लगा के एक एक किलोमीटर दूर जाके गाड़ी पार करते हैं, और तकरीबन 1 किलोमीटर चल के आके खाना यहाँ पे इंजॉय करते हैं। इसने भाई मुल्तान वालों को हैरान करके रखा हुआ है, मुल्तान वालों को परेशान करके रखा हुआ है। लोकेशन समझा देते हैं फिर इनके पास चलते हैं। पुराना भावलपुर रोड है ये, कलमा चौक से आ रहा है और सीधा कैंट की तरफ जा रहा है। यहाँ पे जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड पे आपको नजर आएगा ये पॉइंट HN फूड। और एक चीज़ आपको यहाँ के बारे में जो बतानी है वो ये है कि ये सारी गाड़ियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं सारी यहाँ पे ये पार्किंग में लगा के लोग यहाँ पे अपना पैदल फूड इंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पे भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हसीब नाम है ना आपका? जी ठीक है। अच्छा हसीब भाई, क्या क्या होता है आपके पास यहाँ पे? क्या चीज़ है ये? खिज़र चाँप। खिज़र चाँप है ये? अच्छा, ये इसमें क्या स्पेशल है? बस इसका फ्लेवर, इसका मसाला डिफरेंट है। अच्छा, ये आम जो नमकीन चाम होती है ये वो नहीं है? नहीं ये वो नहीं। और यहाँ पे क्या चल रहा है? तुर्किश कबाब है ये। तुर्किश कबाब है? अच्छा, ये वो तुर्किश कबाब है, इसको अदना कबाब भी कहते हैं, ये कोई और है? ये अफगानी मोटी चिकन की। ये अफगानी चिकन मोटी है? नहीं, माशाल्लाह। तो ये इनका रेट क्या है, किस तरह से डिसाइड करते हैं आप? एक कबाब 480 का है। एक कबाब 480 का, ये तुर्किश कबाब जी? ठीक है। और ये जो अफगानी मोटी है 1200 की प्लेट है, इसमें कितनी मोटियाँ आती है? 8 पीस आते हैं। ये शाही कबाब है? ये शाही कबाब है। अच्छा माशाल्लाह। ये चिकन में है? ये चिकन में। चिकन में। और ये तुर्किश कबाब जो है ये? ये मटन में, लैम में। अच्छा, ये जो तुर्किश कबाब है ये मटन लैम में लगा रहे हैं। ये टिक्का है? टिक्का है। इसका दुबई का जो नॉर्मल रूटीन में हर जगह से मिलता है। अच्छा ठीक है, दुबई का टिक्का। इसकी क्या प्राइस है, किस तरह आप देते हैं? ये 3000 रुपीज़ kg है। 3000 पर kg है। इसमें जो डिफरेंट चीज़ है वो वरीता है, वो इसी चीज़ में है या वो मटन में ही बनता है? दुम्बे का ही टिक्का बनता है? वो दुम्बे का ही होता है, लेकिन वो ज़रा थोड़ा सा उसमें फ्लेवर होता है। फ्लेवर होता है, वो इससे हट के है? थोड़ा सा हट के है। ये अफगानी बोटी है जी? ये अफगानी टिक्का है। ये बीफ में है? ये मटन में। मटन में है। और ये दरमियान में चक्की की चर्बी है जी? ये फैट है, लेकिन ये चक्की वाला फैट नहीं है, ये जाली वाला फैट है। ये जाली वाला। ठीक है। अच्छा, ये मुल्तानी चाप है? ये मुल्तानी चाप है। पहले इसको ऑयल में फ्राई करते हैं, उसके बाद इसको ग्रिल के ऊपर इसको सेकते हैं, अच्छी तरह से ग्रिल करते हैं। ये मुल्तानी स्टाइल चाप है जो यहाँ पे बड़ी पॉपुलर चलती है माशाल्लाह। एक चीज़ ये भी, यहाँ पे गोश्त जो है ना ये ताज़ा बन रहा है सारा इनके पास, ये डेली फ्रेश यहाँ पे आता है, इसको ये प्रॉपर तरीके से फ्रीज किया हुआ है इन्होंने, और इसके कट्स बना के इन्होंने यहाँ पे कट्स बना के रखे हुए हैं, यहाँ पे भी नीचे भी, और ये पूरा जानवर भी यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे ताज़ा गोश्त बन रहा है माशाल्लाह। मतलब ऐसे लग रहा है यहाँ पे जैसे ईद पे गोश्त बन रहा होता ना। ये मटन की मछलियाँ हैं ये जनाब, ये मछलियाँ तैयार हो रही हैं। ये बोनलेस है सारा, ये बोनलेस है, वो चांपे बन रही हैं वहाँ पे, वो चांप के टिक्के के लिए वो बन रहा है सारा यहाँ पे। माशाल्लाह बड़ा सीन चल रहा है भाई। इधर कढ़ाइयाँ चल रही हैं इनके पास। अच्छा, ये अभी शुरू है। अच्छा माशाल्लाह। ये कौन सी है? ये काबली कढ़ाई है, ये अफगानी कढ़ाई है? सही, काबली बन रही है, यहाँ पे अफगानी बन रही है, और यहाँ पे शनवारी कढ़ाई बन रही है भैया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये शनवारी बना रहे हैं आप? इसमें आप सुलेमानी भी बनाते हैं? एक में टमाटर डालते हैं, एक में टमाटर नहीं डालते, और पेशावरी में क्या होता है? थोड़ा सा टमाटर डालता है। सही है, सही है, ठीक है। ये है जी हमारे पास
मटन चाप। इसके तीन हिस्से हैं, ये गोश्त वाला हिस्सा है, इसका अलग टेस्ट है, गरम है भाई। मैं आपको एक बात जानना बताऊँ, मैंने ऐसा दुम्बे की चाप आज तक नहीं खाई, इसका अलग टेस्ट आएगा। इनमें थोड़ी चर्बी है साथ, ये नीचे वाला हिस्सा था। खाली फैट है आमतौर पर जहाँ से भी मैंने खाया ना वो यहाँ वहाँ पे, ये तो नमकीन टिक्का होता है, ये नमकीन से थोड़ा हटके है। इसकी मैरिनेशन बहुत डिफरेंट है, इसके जो मसाले लगे हैं वो बहुत डिफरेंट है, इवन इसकी कुकिंग बहुत डिफरेंट है। ये आम तरीके से नहीं पक रही, इसको थोड़ी देर ग्रिल करने के बाद ये उतार लेते हैं, उतार के उसका पानी निकलना शुरू होता है, पानी निकलने के बाद वो थोड़ी सी फूल जाती है, उसके बाद दोबारा इसको ग्रिल करते हैं। और इसका फ्लेवर जितने भी मैंने आज तक चांपे खाए हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर है इसका, मुंह में जाते ही ऐसा फ्लेवर का धमाका पड़ता है ना अंदर, बहुत अलग चीज़ है माशाल्लाह यार ये। और यार मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी। अच्छा ये भाई हसीब भाई अपने हाथ से हम एक बाइट बना के दे रहे हैं, इसमें बाहर वाला हिस्सा आएगा गोश्त वाला, वो रैप करके चर्बी में, कोई बात नहीं। लो जी ये बाहर चर्बी है, ये देखो ये बाहर, ये सिर्फ बोटी वाला हिस्सा है और ये नीचे सिर्फ चर्बी वाला हिस्सा है। इसको हम रैप कर रहे हैं दुम्बे का टिक्का, इसका अलग फ्लेवर आएगा, ये ऑप्टिमम फ्लेवर आएगा दुम्बे का। बहुत अच्छा, अच्छा आप अपने हाथ से बना के खिलाएंगे। ये मुल्तानी चाप है भाई, मैं ऑप्टिमम बाइट्स बना बना के थक गया, लोगों को सिखा सिखा के थक गया, ये मुझे ऑप्टिमम बाइट्स बना बना के दे रहे हैं। तो ट्राई करते हैं स्पेशल, ये अनारदाने की और इमली की चटनी है इसके साथ, और ये प्याज ऊपर कच्चा प्याज उन्होंने डाला है। इसमें जो सबसे कमाल का फ्लेवर आया ना वो इस चटनी का, और साथ में हल्का सा जो प्याज ऊपर से डाला है वो, इसका फ्लेवर थोड़ा माइल्ड हो गया इसके साथ। अच्छा ये क्या चीज़ है, वरीता, ये ओए 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 मछली है भाई, ओए 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 ओए। अच्छा मछली भी है चांपे भी हैं, ओह ये आराम से उतर आई है, ये आपकी सबसे मजे की चीज़ है यार। ये चेक करो, ये मछली है और ये जो डिश बनी हुई है ना, ये बनी, इसका नाम है वरीता, और इसमें अभी जो मैंने जो सीना खाया ना, जो मैंने सीने का पीस खाया ना उसमें, ये बहुत गर्म है भाई, जो मैंने सीने का पीस खाया ना उसमें सिर्फ मीट का फ्लेवर आया, सिर्फ मीट का फ्लेवर। मक्खन वाइब हो गया भाई यार, यहाँ पर जो भी अब तक चीज़ें खाई ना, तीन चार चीज़ें, ये बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है भाई, इसमें कोई फ्लेवर नहीं है सिवाय गोश्त के फ्लेवर के। शाही कबाब ये देखो, ओहो ये शाही कबाब है, इसमें ना चीज़ को इन्होंने अंदर ही गूंदा हुआ है कीमे के अंदर, जो चिकन का कीमा है ना उसके अंदर चीज़ को गूंदा हुआ है, साथ में टमाटर डले हुए हैं, टमाटर कच्चे कच्चे टमाटर के चंक्स आ रहे हैं, जो सारा फ्लेवर आ रहा है ना इसके अंदर चिकन के साथ चीज़ का और टमाटर के ऊपर। अगर आपने कोई देसी स्टाइल वाला पिज़्ज़ा खाया हो ना जिसके ऊपर तीस चीज़ होता है, तो उस तरह का फ्लेवर है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक ठाक है, चप्पल कबाब बना रहे हैं आप। अच्छा ये सारा मिक्स कर रहे हैं, आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं भाई। मेरा नाम सभीउल्ला, सभीउल जबीउल्ला, सभीउल्ला, सफीउल्ला। अच्छा ये अभी जो है ना ये नली हम डालते हैं, नली भी डालते हैं। लो जी ये साथ साथ नलियां भी डाल रहे हैं इसके अंदर, और ये कीमा कौन सा है, रान का डालते हैं इसमें या मिक्स होता गाय का, नहीं जानवर, सिर्फ रान का है ना। बहुत मजेदार कबाब लग रहा है भाई मुझे ये। जब तक चपली कबाब बन रहे हैं पीछे, तब तक हम ये अफगानी बोटी ट्राई करते हैं। एक ही दुम्बे के साथ इन्होंने छः सात फ्लेवर दिखा दिए मुझे भाई, जो भी हमने खाया सारा एक तरह का जानवर, किसी में कुछ जायका आ रहा है, किसी में कुछ जायका आ रहा है, किसी में कुछ जायका आ रहा है। इस पे अर्क जो है वो और है, इसमें अर्क लगाए हुए आपने, ये सारी चर्बी है और ये बोटी है। ओए ओए
यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं इतनी दूर दूर लोग लगा के आते हैं, एक एक किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी करके पैदल यहाँ पर खाने आते हैं। समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है, और यहाँ पर बिल बता रहे हैं बाजू का 6 बंदे 7 बंदे खाना खाते हैं 50,000 का बिल बन जाता है, जब एक चीज़ आपको मिल रही है 3,000 रुपये किलो के हिसाब से, और इस लेवल का जायका आपको मिल रहा है ना, तो मेरे हिसाब से ना 50,000 रुपये खर्च करना 6 बंदों के लिए बिल्कुल जायज़ है। ये होता है नली वाला चपली कबाब। एक बात बिल्कुल सच्ची है, मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, इस लेवल का टेस्ट मुझे आज तक कहीं पर भी नहीं मिला। नली वाली चपली कबाब के बारे में कहते हैं कि खुशकिस्मत इंसान को नली मिलती है, क्योंकि अक्सर जगहों पर जहाँ पर भी आप चपली कबाब खाने जाते हैं ना, सबसे पहले नली ख़त्म होती है, बाद में कबाब ख़त्म होते हैं, तो रश बहुत ज़्यादा होता है जहाँ पे भी ये मिल रहे होते हैं। तो खुशकिस्मत इंसान को नली वाला चपली कबाब मिलता है, हमें मिल रहा है, फिर हम इसको ट्राई कर लेते हैं। ये बिल्कुल ताज़ा ताज़ा निकल के आया भाई, बहुत गर्म। ये देखो ओए क्या गर्म गर्म कबाब है भाई, ये साथ थोड़ी सी नली भी आ गई इसके अंदर, इसको ट्राई करते हैं बिस्मिल्लाह। तो फ्लेवर आ रहा ना भाई, बड़ा माइल्ड फ्लेवर आ रहा है, बहुत तेज़ स्पाइसी वाला फ्लेवर नहीं है। ये डालते हैं इसके ऊपर, ओए होए होए सुभान अल्लाह। अच्छा खट्टा भी आ गया मुँह में, हरी मिर्च भी आ गई साथ में, खट्टे के साथ ना फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। आलू बुखारे की चटनी है ये वाली, ठीक है, और साथ में ये इनकी स्पेशल अनारदाने वाली इमली वाली चटनी है, ये टमाटर वाली चटनी है जो कि स्पेशल काबुली पुलाव के साथ मिलती है आपको, ये पुदीने वाला रायता है, और ये पूरा सालन पकड़ा है, इसके ऊपर बादाम है, इसके ऊपर काजू है, अंडा रखा हुआ है इन्होंने साइडों पर, नीचे काबुली पुलाव है सारा, इसके पेट में भी पुलाव है, ओए होए होए, इसके अंदर भी काजू हैं, ओ माशाल्लाह 24,000 रुपये का है। अच्छा एक सवाल मुझे यहाँ पूछना है, ये बकरा कितनी उम्र का है? छोटे बकरे होते हैं ना, छोटा जो बकरा होता है ना उसमें फैट ज़्यादा होती है, नरम होता है, जूसी होता है, ये देखो इतने जूसी चीज़ है यार, ये स्किन के साथ, हाय हाय हाय, लेकिन स्किन वाला बहुत खराब है। ओए होए होए, आलू बुखारे की चटनी में जो डिप किया है ना वो बहुत कमाल चीज़ है भाई, बादाम का और काजू का और चावलों का जो फ्लेवर है ना वो गोश्त के अंदर चला गया भाई। लो जी ये चम्मच, आप ये हसीब भाई मान ली चम्मच बना रहे हैं, काजू मेवे बादाम रायता आलू बुखारे की चटनी, इसमें से भी काजू निकालेंगे, दिस इज़ ऑप्टिमम, यहाँ पर ऑप्टिमम बाइट्स बन रही है आज, सिर्फ आज हर बाइट ऑप्टिमम बाइट है भाई, यहाँ पर सालम दुम्बे की ऑप्टिमम बाइट है, सालम बकरे की, चावलों का गोश्त का जो फ्लेवर आ रहा है ना, साथ में चटनियाँ जो इन्होंने ऐड की हुई हैं बहुत कमाल है यार। यहाँ पे भिंडी गोश्त है, अरबी गोश्त है, पालक गोश्त है, शलजम गोश्त है, आलू गोश्त है, टीने गोश्त है, ये सारा गोश्त के साथ ही है भाई, ये गोश्त वाली ही जगह है। अगर नहीं, अगर किसी ने शलजम खाने हैं खाली, शलजम नहीं, खाली नहीं, गोश्त ही होगा भाई इसमें हर चीज़ में। ये क्या चीज़ है? ये अफगानी रोश है, छोटी मोटी वाला। अच्छा ये देसी घी वाला सालन है ये जनाब, इन्होंने ना देसी घी का सालन बनाया हुआ है मटन का, देसी घी के अंदर, और इसका खाली शोरबा जो ना, खाली शोरबा ही चेक करने वाला है, इसको चेक करते हैं। सही, जो गांव में बनता ना, गांव वाला सालन है भाई, देसी घी वाला, देसी बकरे वाला, बहुत कमाल। रोटी भी जो है वो देसी गंदम के आटे की रोटी है। अच्छा ये भुना हुआ गोश्त है, ये कौन से घी में बनाते हैं? आम घी में बनाते हैं ये जनाब, भुना हुआ गोश्त है ये देखो, ये साथ में थोड़ा इसको ग्रेवी लगाते हैं, ये मजा आएगा। ओए यार इसमें एक चीज़ कम है, इसी तरह घोड़ा पाला अगर वो, जैसे गांव में ना दरख्त की छाँव में बैठ के दोपहर के टाइम वो वाली वाइब आ रही है। ये अफगानी कढ़ाई, ये दूध में डाल के इसको स्पेशल तरीके से बनाते हैं, आजकल मुल्तान में बहुत ज़्यादा चल रही है। ये जो है ये इनकी शिनवारी कढ़ाई है, टिपिकल शिनवारी नहीं है कि शावरी शिनवारी है, शायद जो एग्जैक्ट शिनवारी है ये वो चीज़ नहीं है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है उस चीज़ से। और ये जो है ये है इनकी काबली कढ़ाई, ये यहाँ पर इनकी बड़ी यूनिक आइटम है, ये एचएन पे अगर आप आते हैं तो आपको ये स्पेशल आइटम है इनकी, आपने लाजमी ट्राई करनी है आगे, ऐसा मुझे हसीब भाई ने कहा, इसको मैं ख़ुद भी ट्राई करके देख लेता हूँ इंशाल्लाह। ये जो है इनका अफगानी रोश है, अफगानी रोश की पहचान ही होती है कि इसमें बोटी छोटे साइज़ की होती है, अफगानी रोश के अंदर बोटी जो है वो बड़े साइज़ की नहीं होती, अगर बोटी बड़े साइज़ की है तो फिर वो अफगानी रोश ही नहीं है। और ये है इनका स्पेशल कोई कचलाक रोश है, ये देखो इसका कलर थोड़ा जैसा येलोइश है, यखनी बनी हुई है, कुट की बोटी है ये,
دال ماش انہوں نے ٹرائی کرائی ہے دوستوں کے ساتھ پریشر میں, اگر آپ آ گئے ہیں, کچھ لوگوں نے آپ کو کہا جی کہ میٹ کھانا ہے چل کے ہم نے, اور ہم نے گوشت کھانا ہے اچن میں جا کے کھانا ہے, اور آپ کو یہاں پہ کچھ مل نہیں رہا گوشت میں کھانے کے لیے, اگر آپ گوشت نہیں کھاتے ہیں آپ یہ دال ماش بھی آڈر کر سکتے ہیں یہاں بیٹھ کے. یہ صاحب میں جناب بھجن, یہ ان کی افغانی روٹی ہے. پہلے جناب یہ ہم ان کی چیک کر لیتے ہیں. او یار کیا میٹ ہے, یہ دیکھو ختم. یہ تھوڑی سی یہاں سے بوٹی لیں گے, تھوڑی سی اس کے اوپر گریوی ڈالیں گے, اور کچھ بھی نہیں ڈال رہا میں اس کے اوپر. یہ دیکھو بسم اللہ وعلیٰ بارک اللہ. جب کھانے پہ دسترخوان پہ بہت ساری چیزیں ہوں تو دعا ہے بسم اللہ وعلیٰ بارک اللہ. اگر ایک چیز آپ کھا رہے ہیں تو آپ بسم اللہ پڑھ کے بھی کھا سکتے ہیں. بھائی بہت کمال, اس میں کریمی فلیور آ رہا ہے کیونکہ اس میں دودھ ڈلتا ہے. جو ریسیپی ہے نا وہ بڑی ڈفرینٹ ہے, اسپائسیز زیادہ نہیں ہے, مرچ کا اروما ہے اس کے اندر. یہ دیکھو یہ جو مرچیں ہیں نا اس کے اندر, یہ مرچوں کا اروما, ٹماٹر کا اروما, زیرا اوپر ڈلا ہوا ہے, زیرے کا پراپر فلیور آ رہا ہے, اور جو یہ وائٹی آپ کو یہ وائٹ نظر آ رہی ہے, یہ وائٹش ہے نا, یہ سارا دودھ کی وجہ سے ہے. دودھ کا فلیور الگ سے آ رہا ہے, وہ ایک عجیب ہی اس نے ایک عجیب ہی ٹیسٹ دے دیا اس کڑھائی کو. یہ گوشت چیک کرو کتنا نرم ہے. یہ دیکھو گیا, یہ ان کی شنواری کڑھائی ہے بھائی. اس میں شنواری میں نا سارا جو کمال ہوتا ہے نا اس کا ہوتا ہے, یہ چکی کی چربی, یہ چیز سارا کمال اس کا ہوتا ہے بھائی. تھوڑی سی یہاں سے چکی کی چربی لے لیتے ہیں, ساتھ میں تھوڑی سی اس کی لیں گے ہم یہ بوٹی, اور اس کو ڈپ کریں گے مسالے کے اندر. یہ اس کا مسالہ, یہ شنواری کڑھائی. بسم اللہ. اوہو یار یہ موڈیفائڈ چیز ہے, یہ پیور شنواری نہیں ہے, تھوڑی سی ہٹ گیا اس سے, تھوڑا پنچنگ فلیور ہے اس کے اندر, مسالوں کا فلیور بہت تیز ہے, لیکن بہت مزے کا لگ رہا ہے. کالی مرچ کا فلیور الگ سے آ رہا ہے, اور جو ہری مرچ ہے جو اس کے اندر چکنائی ہے نا, اس کا فلیور بھی الگ سے آ رہا ہے. کہ سب سے اسپیشل آئٹم ہے وہ ہی ان کی یہ کابلی کڑھائی ہے بھائی, یہ چامپوں میں بنی ہوئی ہے. یہ دیکھو یہاں سے بھائی اس کو ٹرائی کرتے ہیں, چھوٹی سی ایک بوٹی لیتے ہیں اس کی. یہ گوشت آ گیا, تھوڑی سی جو ہے اس کے اوپر گریوی لگاتے ہیں. اگر آپ کو مائلڈ فلیور چاہیے, ہلکا کریمی فلیور چاہیے, تو یہ افغانی کڑھائی ٹرائی کر لیں ان کی. اگر آپ کو چکی کا فلیور چاہیے شنواری ٹرائی کر لیں, اور اگر آپ کو پنچنگ فلیور چاہیے, اسپائسیز کا فلیور چاہیے, اچھی کک چاہیے آپ کو گوشت کی اور مسالوں کی, اور آپ کو ایسا چاہیے کہ مطلب کھا کے چٹپٹی چیز ہو, مٹن میں تھوڑا چٹپٹا کھانا, چٹپٹی کڑھائی کھانا چاہ رہے ہیں, تو بھائی یہ اب کابلی کڑھائی یہ بہت اعلیٰ چیز ہے. یہ اگلی جو چیز ہے نا بھائی, یہ ان کی افغانی روش ہے. میں اس میں گوشت نہیں لے رہا سمپل, میں چونکہ یخنی کا فلیور چاہیے. لے جی یہ اس کو ٹرائی کرتے ہیں. بسم اللہ. یہ ہے یخنی, لیکن آپ یہ بھائی روٹی کے ساتھ ٹرائی کریں اس کو, یہ بڑا عجیب سا ایک ڈفرنٹ, بڑا ڈفرینٹ سا فلیور ہے. ویسا جو روش ہوتا ہے نا اس کا ہلکا سا فلیور ہوتا ہے, اس میں یخنی کا فلیور زیادہ آتا ہے, گوشت کا فلیور زیادہ آتا ہے, مسالے کم آتے ہیں, لیکن یہ اور ہی طرح کا روش ہے. اس میں مسالوں کا فلیور زیادہ ہے اور گوشت کا فلیور کم ہے, ڈفرینٹ ہے. اس کا چلاک روش ہے یہ. تو کھانے کا طریقہ سمپل, خالی روٹی, خشک روٹی, اور اوپر سے یہ ہے یار. یہ مٹن کی جو یخنی ہوتی ہے نا, اگر وہ جو صحیح ہوتے ہیں نا, جس طاقت والی یخنی ہوتی ہے, اور جو مطلب اگر آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یار مٹن کی یخنی پیو, تھوڑی جان ہے ہڈیوں میں جان ہے, تھوڑی آپ کے گٹے گوڈوں میں جان ہے, یہ وہ چیز ہے. فل یہ سردیوں کی آئٹم ہے بھائی, سردیوں میں یہاں پہ آ کر ٹرائی کرنے والی چیز ہے یہ. یہ ان کا بال کیک ہے. ایکچولی سمپل سی ریسیپی ہوتی ہے, اس کا جو اسپنج ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے دودھ میں ڈپ کیا جاتا ہے, اور دودھ جو ہے تین طرح کے جو ملک ہوتے ہیں ان کو مکس کر کے کنڈینس ملک یوز کیا جاتا ہے اس کے اندر, اور اوپر کچھ بھی آپ ٹاپنگ کر دیں, لوٹس کی کر دیں یا آپ ڈیری ملک کی کر دیں, کچھ بھی کر دیں. ویسے یہاں پہ سارا کچھ آپ کو دیسی ملے گا, لیکن یہ چیز جو ہے بڑی انگلش ہے بھائی. یہاں پہ اس کو چیک کرتے ہیں, یہ دیکھو پورا یہ چیک, یہ جوسی ہوا ہوتا ہے, اچھی طرح سے ڈپ ہوا ہوتا ہے اس کا جو کیک ہے وہ ملک کے اندر, اور یہ ملک جو ہے ملک کو نا ایبزارب کر لیتا سارا کیک. لوٹس کے ساتھ ہے بھائی, ہے اوپر لوٹس بسکٹ انہوں نے ڈالا ہوا, بہت زیادہ یار. ویسے میں صحیح بتاؤں مجھے لوٹس پسند نہیں ہے, لیکن اس میں سمجھ میں آ رہا ہے بھائی, کیونکہ یہ بہت زیادہ میٹھا نہیں ہے. اوکے جی بھائی, یہاں بہت کمال کا فوڈ ہے, یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہاں پہ ہر چیز آپ کو چپلی کباب سے لے کے دیسی کھانوں سے لے کے گوشت اور جو تکے ہیں باربیکیو, ہر چیز بہت کمال کی ہے ماشاء اللہ. یہاں پہ نہیں ہوتا نا, آپ کو بہت کچھ چیز ایک چیز بہت کمال کی ہوتی ہے, آپ نے وہاں پہ جا کے وہ چیز ٹرائی کرنی تھی, یہاں پہ آ کے آپ کچھ بھی ٹرائی کر لیں. اسپیشلی ان کی جو باربیکیو کی رینج ہے مٹن کی, ان کی جو کڑھائیاں ہیں, ان کا جو دمبا تکا ہے, ان کا جو دمبا ہے پورا سالم دمبا, وہ ان کی دیسی کھانے جو ہیں, ان کے شوربے والے روسٹ ہے, جو بھنا ہوا گوشت ہے وہ,
روٹی ہر چیز بہت کمال کی ہے ماشاء اللہ یہاں پہ. اگر آپ ملتان میں آتے ہیں تو بھائی یہ چیز مس کرنے والی نہیں ہے. ملتان کا اب تک کا بیسٹ فوڈ یہاں کا یہ ایچ این ہے. سیف بھائی جو ہے نا ان کا اپنا ہاتھ بڑا سیٹ ہے, چیزوں کے ٹیسٹ کو سمجھنے والا انسان ہے. اگر آپ کو چیزوں کے ٹیسٹ کی سمجھ ہے نا اور آپ کو بائٹس بنانی آتی ہیں, فوڈی ہیں آپ, فیوژن کو پسند کرتے ہیں, آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ بھائی کچھ بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ ویڈیو بھائی ہم یہیں پہ ختم کر رہے ہیں. اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل کے آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے. دس از مائی انسٹاگرام, ڈونٹ فورگیٹ ٹو فالو مائی انسٹاگرام. آپ سے کب شپ ہوتی ہے, ملاقات ہوتی ہے, لائیو جاتا ہوں, بات چیت ہوتی ہے انسٹاگرام کے اوپر. کسی بھی سٹی میں جانا ہوتا ہے وہاں پہ میٹ اپ کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ انسٹاگرام پہ آتی ہے. آپ سے ملاقات کریں گے ان شاء اللہ اگلی ویڈیو کے اندر. تب تک کلیم جائے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ آپ یہاں پہ سیکیورٹی میں ہوتے ہیں؟ آپ کو دیکھ کے بندہ نا کوئی گاڑی تو 5 کلومیٹر دور بھی کھڑی کر کے آیا کرنا اور بتایا گا کہ بھائی آپ نے دھیان رکھنا ہے, تو گاڑی نہیں ہل سکتی اپنی جگہ سے. ماشاء اللہ آپ کو دیکھ کے. آپ کہاں سے ہیں جی؟ آپ خانے وال سے ہیں ماشاء اللہ. نام کیا جی آپ کا؟ ناصر عباس صاحب ہیں ماشاء اللہ. صحیح ہے جی, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے.